तो हे गाइस व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं अमित जी, आप देख सकते हो गेमर। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर पबजी मोबाइल के अंदर कल आप लोगों का एक न्यू इवेंट आया। एक्जैक्टली न्यू इवेंट नहीं बोलूंगा, आप लोगों का कल एक सेकंड पार्ट इवेंट बोल सकते हो, 2.0 आया इवेंट। ये इवेंट आप लोगों का पहले भी आया, इसका 2.0 वर्जन बोल सकते हो इस बार का आया है, जिसके अंदर से अगर आप लोग सही से काम करते हो, सही से इवेंट को कंप्लीट करते हो, तो फिर आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे रेड क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों का करंट कंट्री रीजन आप लोगों का इजराइल है या फिर टर्की है, तो ऐसे आप लोग का करंट कंट्री रीजन है, तो फिर आप लोग का रेड क्रिस्टल्स का यूज आप लोग जानते होंगे। रिडीम सेक्शन के अंदर आकर आप लोग बहुत सारी चीजें यहाँ पर रिडीम कर पाते हो रेड क्रिस्टल्स से। ठीक है, तो आप लोग रेड क्रिस्टल्स कैसे आप लोगों को मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा उस इवेंट से, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का यहाँ पर मेरा जो ये वाला आइडिया है, मेरा ये इजराइल से कनेक्टेड है, एंड इसके अलावा टर्की रीजन के अंदर भी आप लोगों का ये इवेंट आया हुआ है। दूसरे अगर कोई रीजन के अंदर यहाँ पर ये इवेंट आया है, तो फिर जरूर कमेंट्स पर बता देना, तो फिर यहाँ पर दूसरे लोगों को हेल्प हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का प्ले जोन करके आप लोग का एक इवेंट यहाँ पर कल आ चुका है, एंड इसका टाइम पीरियड देख सकते हो 9th of September तक चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मंथ का 9th of September तक चलेगा, और इस इवेंट के अंदर से आप लोगों को यहाँ पर भर भर के रेड क्रिस्टल्स मिलेगा। अब कैसे मिलेगा चलिए बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने इवेंट्स है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 टोटल इवेंट है, जिसमें से आप लोग का 2 फिलहाल के लिए देख सकते हो एक्टिवेट है, एंड बाकी 5 यहाँ पर देख सकते हो कमिंग सून है। ठीक है, तो बाकी के जो 5 है वो आप लोग का धीरे धीरे आएगा, जो आप लोगों का जैसे जैसे आएगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को हर एक जो आप लोगों का इवेंट आएगा वो मैं सारे के सारे एक्सप्लेन करता रहूंगा, अगर आप लोग कमेंट कर देते हो तो। नहीं तो अगर आप लोग कमेंट नहीं करते तो मैं सारे के सारे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। मैं नॉर्मली जो आया है एंड जो आने वाला है वो मैं आप लोगों को ऊपर में बता देता हूं कैसे ये एग्जैक्टली काम करने वाला है वो बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एग्जैक्टली क्या करना होता है, आप लोगों को यहाँ पर जो प्ले जोन बोल सकते हो, ये कॉइन्स या कुछ जो आप लोगों का है ना यहाँ पर, इसको आप लोगों को कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपके हिसाब से यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हो, तो फिर आप लोग यहाँ पर इवेंट शॉप के अंदर जाकर देख सकते हो रेड क्रिस्टल्स आप लोग यहाँ पर से बाय कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 3 रेड क्रिस्टल्स मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 3 यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए दिखा रहा है, तो हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर और भी बाय कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर 900 है, तो मेरे को मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर इसीलिए 3 यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों का यहाँ पर और भी ज़्यादा इवेंट के जो कॉइन्स है, तो फिर आप लोग देख लेना कि आप लोगों को और कितना यहाँ पर रिडीम करने के लिए मिल रहा है। ठीक है, हर एक आप लोगों का ये जो रेड क्रिस्टल का कॉस्ट रहेगा 300। ठीक है, अब इसके अलावा आप लोग देख सकते हो वाउचर्स वगैरह, क्लासिक केट वगैरह, स्कैप वगैरह यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आउटफिट भी आप लोग टाइम लिमिटेड ले सकते हो, या फिर डेली आइटम्स भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, हर एक का आप लोग का कुछ ना कुछ कॉस्ट करेगा, तो आपके हिसाब से ले लेना। एंड परमानेंट के हिसाब से अगर बताऊँ, तो ये सिर्फ फ्लावर प्लस ऑर्नामेंट जो है यही आप लोग का परमानेंट है। ठीक है, एंड अगर आप लोग क्रिस्टल लेना चाहते हो, तो फिर आप लोग का ये इवेंट आप लोग के लिए एकदम सही है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर बहुत सारे रेड क्रिस्टल्स ले सकते हो। इसके अलावा आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सर्वर प्रोग्रेसर एंड माई प्रोग्रेसर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग का होल सर्वर का यहाँ पर देख सकते हो इंक्रीज होता है, तो उसी हिसाब से आप लोगों यहाँ पर कुछ आप लोगों जो कॉइन्स है वो मिलता रहेगा, एंड आप लोग का खुद का यहाँ पर जो प्रोग्रेस है वो अगर आप लोगों का सही से आगे बढ़ेगा, तो फिर आप लोग को देख सकते हो आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर आप लोगों को ये प्रोग्रेस को आप लोगों को कैसे बढ़ाना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों का पहले से आप लोग इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो फिर आप लोगों का ऑलरेडी अगर रिडीम नहीं किया था, तो वो कॉइन्स आप लोगों का अब तक यहाँ पर क्रेडिट हो चुका होगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर 850 था, तो लॉगिन आज वाला किया तो मेरा 900 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डेली के डेली लॉगिन करोगे, तो फिर आप लोग का यहाँ पर देख सकते हो 21 दिन तक डेली के डेली लॉगिन करोगे, तो कुछ ना कुछ आप लोगों को यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे 7th day पर लॉगिन करोगे, आप लोग देख सकते हो 1 रेड क्रिस्टल मिलेगा, साथ में आप लोगों को ये सारी चीज़ें तो मिल ही रहा है। 14 दिन पर आप लोग यहाँ पर जैसे ही लॉगिन करोगे, तो आप लोगों का 2 रेड क्रिस्टल मिलेगा, और आप लोगों को ये कॉइन तो मिलेगा। 21 दिन को जैसे आप लॉगिन करोगे, 3 रेड क्रिस्टल्स एंड आप लोगों को ये आइटम्स मिलेगा। एंड बीच में आप लोग देख सकते हो डेली के डेली लॉगिन करो, तो कुछ ना कुछ आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, मतलब ये कॉइन्स जो आप लोगों को मिलता रहेगा, इसके अलावा मिलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर आप लोग का आगे ये प्रोग्रेस बढ़ेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 50, 100 ये सारे लॉक है। ठीक है, इसको लॉक को ओपन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर गेम खेलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो अभी फिलहाल के लिए सराउंडेड बाई डेंजर ओपन है, एंड लॉगिन वाला ओपन है। ठीक है, लॉगिन वाला तो बस लॉगिन करके यहाँ पर इसके अंदर आओगे, तो आप लोगों को कॉइन मिल जाएगा। अभी आप लोगों का देख सकते हो ये जो यूसी वाला इवेंट है, फिर आप लोगों का ये जो क्रिएट वाला इवेंट है, फिर आप लोगों का ये जो आउटफिट वाला इवेंट है, एंड लास्ट के जो इवेंट है ये आप लोगों का एक्टिवेट नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी जो एक्टिवेट है वो बता देता हूं। तो अभी वाला लॉगिन वाला बता दिया, बस लॉगिन करते रहना डेली के डेली, आप लोगों का लॉगिन वाला होता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सराउंडेड बट डेंजर वाला जो इवेंट है, चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को एंटर करना है, जैसे एंटर करोगे तो आप लोगों का यहाँ पर पबजी मोबाइल लिख के आ जाएगा, इसके बाद लोडिंग वगैरह लेगा। तो इसको कैसे खेलना होता है आप लोग मोस्ट प्रॉब्ली जानते होगा, अगर नहीं जानते हो फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्टार्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर कुछ यहाँ पर बोल सकते हो गन्स वगैरह आप लोगों को चाहिए, फिर आप लोगों का एनर्जी वगैरह चाहिए। अब एनर्जी के लिए आप लोग देख सकते हो कुछ मिशन दिए गए, उन मिशन को करोगे तो फिर आप लोगों को यहाँ पर एनर्जी वगैरह मिलेगा। ठीक है, तो वो एनर्जी के हेल्प से आप लोग हर एक मैच यहाँ पर खेल सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पर आप लोगों का देख सकते हो 5 यहाँ पर एनर्जी हो गया, फिर मेरा यहाँ पर और एक यहाँ पर कंप्लीटेड, तो यहाँ पर देख सकते हो 6 एनर्जी हो गया। हर एक एनर्जी से आप लोग हर एक एक मैच खेल सकते हो। एंड आप लोगों का यहाँ पर कैसे होगा, मतलब यहाँ पर आप लोग यहाँ पर गन के हेल्प से आप लोग यहाँ पर जो है डायनासोर्स को मारोगे तो फिर आप लोगों को कुछ पॉइंट्स मिलेगा, उसी हिसाब से आप लोगों का यहाँ पर स्कोर के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर जो है पॉइंट्स वगैरह कलेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए एक आप लोगों को बिगिन चैलेंज करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग आपके हिसाब से यहाँ पर चॉइस कर लो। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल जो हेलमेट का है उसको ही सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आप लोग उसके ऊपर पॉइंटर करोगे तो फिर वो मरता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर खेल के आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसके बाद आप लोगों को बीच बीच में आप लोगों को कुछ एक्सप्लोशन जैसा कुछ भी आएगा तो आप लोग फ्रैग ग्रेनेड्स वगैरह भी फेंक सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो टोटल स्कोर मेरा यहाँ पर 5650 आया है। ठीक है, इसके बाद चलिए हम इसको गो पे दबाते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को जो मैचेस वगैरह खेलना है, ठीक है, इसके अलावा चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या बोला गया। पार्टिसिपेट इवेंट एंड कलेक्ट मिशन टू गेट एनर्जी, जैसे कि बताया मिशन करोगे एनर्जी मिलेगा, उसके हेल्प से आप लोग यहाँ पर गेम वगैरह खेल सकते हो। एंड मिनी गेम्स आप लोग जो खेलोगे आप लोग का डेली रैंकिंग के हिसाब से आप लोग को जो रिवॉर्ड्स है वो मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या रिवॉर्ड्स आप लोग को मिल सकता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो टॉप 100 के अंदर रहते हो तो फिर आप लोगों को 4 यहाँ पर रेड क्रिस्टल्स मिल जाएगा एंड ब्लेजिंग लायन पैक आप लोग को 4 मिलेगा। टॉप 1000 के अंदर रहते हो तो 2 रेड क्रिस्टल मिलेगा, ब्लेजिंग लायन आप लोगों को 2 मिलेगा। टॉप 200 के अंदर रहते हो तो क्रिस्टल अभी 2 पैक मिलेगा एंड ब्लेजिंग लायन पैक आप लोगों को ऐसे मिलेगा। एंड यहाँ पर ऐसे आप लोगों को कलेक्ट होता रहेगा। एंड इन केस अगर आप लोग यहाँ पर आज 5-6 मैच खेल रहे तो इसके बाद आप लोग कलेक्ट करना भूल जाते हो तो आप लोग यहाँ पर मेल वाले सेक्शन के अंदर आकर आप लोग कलेक्ट रिवॉर्ड्स यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ से आप लोगों को जो रिवॉर्ड्स वगैरह है वो आप लोगों को मिलता रहेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या क्या रिवॉर्ड्स आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर डेली के डेली ज्यादा ज्यादा मैच खेलना है तो फिर आप लोग का डेली रैंकिंग रिवॉर्ड्स के हिसाब से आप लोगों को यह आइटम्स मिलेगा। ठीक है, एंड आप लोग का डेली रैंकिंग सिस्टम है। ठीक है, डेली आप लोग जो रैंक का होगा उसी रैंक के हिसाब से आप लोग को डेली के डेली यहाँ पर जो है रिवॉर्ड्स मिलेगा। ठीक है, तो यही है इसका फायदा। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो प्रोग्रेस वाला चीज़ है वो अभी फिलहाल के लिए इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों का ये वाले जो आप लोगों का सराउंडेड वाइज वाला जो डेंजर है इसके हेल्प से मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों का जो है प्रोग्रेस मोस्ट प्रॉब्ली आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, बाकी इसके बाद जो आप लोगों का 5 आप लोगों का जो और इवेंट्स आने वाला है उसके हेल्प से आप लोगों का मोस्ट प्रॉब्ली जो प्रोग्रेस है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि सर्वर प्रोग्रेस भी आप लोगों का आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि किसी का भी वो सिस्टम अभी अनलॉक नहीं हुआ है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों का जब ये 5 और जो इवेंट्स से जैसे जैसे अनलॉक होगा उसी हिसाब से आप लोगों का जो है उसके अंदर कुछ आप लोगों का इवेंट्स वगैरह मिशंस वगैरह आएगा उनको करोगे तो सबका यहाँ पर एक साथ बढ़ेगा। मतलब दूसरे लोग भी जैसे जैसे करेंगे सर्वर प्रोग्रेस भी आगे बढ़ेगा एंड आप लोगों का भी आप भी जैसे करोगे तो आपका प्रोग्रेस भी बढ़ेगा। एंड अभी फिलहाल के लिए किसी का भी आप लोगों का प्रोग्रेस बार नहीं बढ़ रहा है तो इसीलिए यहाँ पर सर्वर प्रोग्रेस अभी भी 0 ही है, लॉक ही है एंड आपका भी सेम है। ठीक है, तो नहीं तो आप लोगों का अगर मतलब कोई गलती होता तो सर्वर प्रोग्रेस आगे बढ़ जाता, आपका नहीं बढ़ता। राइट, तो ऐसे ही आप लोगों का जो इवेंट्स है आप लोगों का कंप्लीट होगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए देखते हैं, तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू एंड पीस आउट।